गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, पिछले वीडियो में हमने डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, इसमें प्राइवेट डाटा और सीक्रेट डाटा पे मैंने आपको चर्चा की, सोर्स ऑफ डाटा के तहत और सोर्स को कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसके लिए क्वेश्चनेयर निर्माण कैसे करते हैं हम, प्रश्नावली का निर्माण कैसे करते हैं, उसकी बात मैंने आपसे की। क्योंकि किसी भी सर्वे का जो बेसिकली टूल्स होता है, आधार होता है, वो उसकी प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली से ही हम आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। तो यहां प्रश्नावली निर्माण कैसे करें और उस प्रश्नावली को निर्माण करते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर मैंने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की और बहुत सारे उसमें उदाहरण देकर आपको ये बताया गया था कि प्रश्नावली में आपको क्या शामिल करना है, क्या शामिल नहीं करना है, वो बातें हमने उसमें की थी। छात्रों, उसमें यह बताया गया था आपको कि प्रश्नावली ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रश्नों की संख्या उपयुक्त होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों का क्रम सही होना चाहिए, प्रश्नावली यथातथ्य स्पष्ट होनी चाहिए, प्रश्नावली में किसी प्रश्न में नकारात्मकता का बोध भी नहीं होना चाहिए और संकेत उत्तरदाता को नहीं मिलना चाहिए। ये सारी बातें मैंने उदाहरण देकर आपको बताया। उसके बाद आगे हम जो आज इस वीडियो में बात करेंगे उसमें हम सर्वेक्षण की विधियां पढ़ेंगे कि जो सर्वेक्षण किया जाता है वो कितने मेथड से किया जाता है। उसमें ये तीन प्रकार के मेथड मैंने आपको बाई डायग्राम लिखा है इधर, तो इसको समझाऊंगा मैं। उससे पहले अपन बात करते हैं कि प्रश्नावली में कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनके बारे में आपको समझना जरूरी है क्योंकि आपकी बुक में उनके बारे में कुछ चर्चा की गई है। तो मैं चाहता हूं कि पहले उनको आप समझें कि प्रश्न किस किस तरीके के बन सकते हैं। देखिए छात्रों, यहां प्रश्नावली में आपको परिमित संरचित और असंरचित अपरिमित जिन्हें मुक्ते तक दो प्रकार के प्रश्नों की चर्चा की गई। परिमित प्रश्न वे होते हैं जो एक निश्चित सीमा में आपको बांध दिया जाएगा और उस दायरे में ही आपको आंसर देना है। उत्तरदाता के लिए सुविधा होती है उसमें कि उस दायरे से वो बाहर नहीं जाए। जैसे कई बार आपको दो विकल्प दे दिए जाते हैं, इन विकल्पों में से आप उत्तर दीजिएगा। कई बार आपको ट्रू और फाल्स के क्वेश्चन होते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ट्रू एंड फॉल्स, ये सत्य है या असत्य है। पहला प्रधानमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री, ट्रू एंड फॉल्स, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें हाँ या ना में आपको जवाब देना है, सही गलत का जवाब देना है, या आपको दो विकल्प दिए होते हैं, वो संरचित या आपका परिमित क्वेश्चन होता है। छात्रों, दूसरे जो असंरचित क्वेश्चन होते हैं या उनको मुक्तेतर क्वेश्चन कहा गया या ओपन चॉइस वाले क्वेश्चन कहा गया, ये प्रश्न खुले हुए प्रश्न होते हैं जिनका जो उत्तर देने का जो दायरा होता है वो सीमित नहीं होता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि उत्तर देने का यथार्थ दायरा नहीं होता है। उत्तरदाता अपने वे में उस प्रश्न के बारे में कुछ भी उत्तर दे सकता है, इसलिए हम उसको ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते। ये खुले प्रश्न जैसे आपसे पूछा जाए कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये मुक्तेतर क्वेश्चन है। अब इसमें आप जितने भी उत्तरदाताओं से बात करेंगे तो यहां से उत्तर अलग अलग आना है। कोई अपने वे में उसको किस प्रकार से बताएगा, दूसरा उसको अलग तरीके से बताएगा, ठीक है। जबकि संरचित जो क्वेश्चन होता है या परिमित जो क्वेश्चन होता है उसमें फिक्स होता है। जैसे मैं क्वेश्चन डालू भारत का प्रधानमंत्री कौन, अब उसमें चार विकल्प दे दें, नरेंद्र भाई मोदी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह या अमित शाह, चार विकल्प आपको दे दिए गए। इन चार विकल्पों में से आपको एक आंसर देना है और इसका आंसर एक ही आएगा, भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, जो यथास्थिति में है वो आ जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये संरचित प्रश्न होते हैं, परिमित प्रश्न होते हैं, इनकी लिमिटेशन फिक्स होती है, इससे बाहर हम नहीं निकल सकते। आप किसी भी उत्तरदाता से प्रश्न करेंगे तो उत्तर वही आना है जो इसका फैक्ट है। जबकि मैं दूसरे प्रश्न की आपसे बात कर रहा हूं, वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन की एक निश्चित परिभाषा नहीं मिलेगी आपको। हर व्यक्ति ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेगा। इस प्रकार के कोई प्रश्न बनते हैं वो मुक्तेतर क्वेश्चन होते हैं, ओपन चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चनों को
क्वेश्चन में हम शामिल करें तो वो व्यक्तिगत साक्षात्कार के तहत आप शामिल करें। संरचित जो क्वेश्चन होता है वो आप डाक सेवा के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं, टेलीफोन साक्षात्कार से भी कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत साक्षात्कार से भी कर सकते हैं। इसके अलावा द्विविध प्रश्न भी होते हैं जिसमें दो ही विकल्प होते हैं, जैसे कि अभी मैंने ट्रू फॉल्स की बात की, हां ना की बात की, सही गलत की बात की, तो वो द्विविध प्रश्न होते हैं। ऐसे शब्दावली आपकी बुक में दी हुई, द्विविध प्रश्न कौन से होते हैं, तो जिसमें दो ही विकल्प दिए होते हैं उनमें से आपको छांटना होता है, वो प्रश्न द्विविध प्रश्न कहलाते हैं। एक बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं जिसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं, उसमें जैसे मैंने भी आपको चार पांच विकल्प दिए, इनमें से आपको एक कोई विकल्प चुनना है। तो छात्रों इस प्रकार के प्रश्न आप अपनी प्रश्नावली में बनाकर आप प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं, और आप प्रश्नावली निर्माण करते समय जो बातें आपको बताई गई है उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण तभी हो पाएगा जब उपयुक्त बातें जो आपको बताई गई है पिछले वीडियो में वो सारी बातें उस प्रश्नावली में लागू हो। ज्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए, प्रश्न कठिन नहीं होने चाहिए, सरल से कठिन होने चाहिए। पहले आप सिंपल क्वेश्चन जिनको उत्तर आपसे चर्चा करके आपसे मतलब एक इंटरेक्ट हो सके, आपसे कनेक्ट हो सके, उस तरह की बातें करनी चाहिए। आपने बहुत सारे टीवी वगैरह में साक्षात्कार देखते होंगे, आप बड़ी बड़ी एग्जाम में आईएएस आरएएस बड़े जितने भी एग्जाम देते हैं साक्षात्कार लिया जाता है। तो इंटरव्यू का एक नियम होता है, इंटरव्यू जब किया जाता है तो सबसे पहले साक्षात्कार लेने वाला आपसे बहुत सिंपल बातें करेगा, आपसे आपका नाम पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा कि आप बताइए आपके बारे में कुछ बोलिए, तो आप अपना नाम बताएंगे, मैं इस जिले से बिलोंग करता हूँ, इस गांव से, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मदर ये करती है, मैंने इतनी पढ़ाई की है इन इन कॉलेज से, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिनको आप आसानी से बोलकर थोड़ी देर में आप क्या हो जाएंगे, उनसे सहज हो जाएंगे। और जब आप उस माहौल में सहज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो मुख्य उद्देश्य आपके क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिसके लिए आप वहां गए हैं, उन क्वेश्चनों पर आप चर्चा उससे कर सकते हैं। आपने जाते ही ऐसे प्रश्नों को आप बोलने लगे जिनके बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अपने आपको इनकम्फर्ट समझ रहा है, असहज समझ रहा है, तो वो आपको सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा और वो जल्दी आपसे पीछे छुड़ाकर वो दूर चला जाएगा। तो ये नियम होता है प्रश्नावली निर्माण का कि प्रश्नावली में आप सिंपल क्वेश्चन बनाए प्रारंभिक स्थिति में, उसके बाद विशिष्टता की ओर आगे बढ़े, एक व्यवस्थित क्रम में प्रश्न हो, नकारात्मकता का बोध नहीं होना चाहिए, संकेत नहीं देने चाहिए, आपने किसी प्रकार का संकेत प्रश्न में दे रहे हो आप, जैसे मैं बात करूं आपसे कि आप कॉलेज करने के बाद आप नौकरी करना चाहेंगे या गृहिणी बनना चाहेंगे, आप घर का काम करना चाहेंगे नौकरी, अब मैंने संकेत दे दिया है तो आप स्वाभाविक सी बात है इस दायरे से बाहर आप निकलेंगे नहीं, आप यही जवाब देंगे। लेकिन आप अपने वे में यदि मैं कहूं कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करना चाहते हैं, तो आपका शायद जवाब ज्यादा सही आए, जो आपकी खुद की हॉबी है, जो आपकी खुद की इच्छा है, वो आप शायद बता पाएंगे। तो प्रश्नावली निर्माण करने में ये सारी बातें छात्रों आपको ध्यान रखनी है, तब जाकर आपके सर्वे का कार्य अच्छा हो सकता है। अब इसके बाद देखिए छात्रों, यदि हम बात करें तो अब आपने प्रश्नावली बना ली है, आपको यह भी पता लग गया है कि प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, कैसे इनको हम प्राप्त करते हैं। अब आपको यह सीखना है कि जो प्रश्नावली आपने बनाई है, इस प्रश्नावली का प्रयोग आप किस मेथड से करेंगे। तो उस मेथड को समझाने के लिए हमने यहां तीन प्रकार की विधियां ली, सर्वेक्षण विधियां, तीन प्रकार से सर्वेक्षण किया जाता है। एक है आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू होता है, ये डाक सेवा साक्षात्कार है, ये पोस्टल इंटरव्यू होता है, और ये आपका टेलीफोन साक्षात्कार है, टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार किया जाता है। छात्रों तीनों साक्षात्कारों की प्रकृति अलग अलग है, ये निर्णय आपको करना है कि आप अपने सर्वे के दौरान किस साक्षात्कार का प्रयोग करेंगे। आप टेलीफोन साक्षात्कार करेंगे, डाक सेवा साक्षात्कार करेंगे, और या फिर आप व्यक्तिगत पर्सनल इंटरव्यू करेंगे। तो यहां तीनों को हमें समझना है कि तीनों का प्रयोग हमें कब कब करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार। यह एक ऐसा साक्षात्कार होता है जिसमें ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठकर उत्तरदाता और सर्वे करता दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर उस समस्या पर चर्चा करते हैं, एक टेबल पर बैठकर चर्चा करते हैं, वो व्यक्तिगत साक्षात्कार है। जैसे आपने
टीवी में इंडियन न्यूज पर आप देखते होंगे रजत शर्मा के द्वारा आपकी कचहरी प्रोग्राम चलाया जाता है, तो उसमें विशेष प्रकार की पर्सनैलिटी को बुलाया जाता है और उसको कचहरी में बिठाकर उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार का जो साक्षात्कार है वो व्यक्तिगत साक्षात्कार है जिसमें दोनों पूछने वाला भी और उत्तर देने वाला भी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और बैठकर उस समस्या पर चर्चा करते हैं। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में जो सर्वे करता है वो खुद उस समस्या तक पहुंचता है और जाकर किसी भी घटना को लेकर उन पर चर्चा करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको उदाहरण पहले भी दिया था कि अपने यहां कोई दुर्घटना हो जाती है तो पत्रकार सबसे पहले वहां जाकर पहुंचते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो वहां के लोगों से, वहां जो रहने वाले लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात करता है, कैसे हुआ, कितने लोग घायल हो गए, कितने की डेथ हो गई, क्या घटना थी, वो सारी बात उनसे करेगा। तो ये एक तरीके से व्यक्तिगत साक्षात्कार है। अब देखिए, प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्तिगत साक्षात्कार हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इस व्यक्तिगत साक्षात्कार के गुण दोषों पर आपको चर्चा करनी होगी कि इस साक्षात्कार को करने के लाभ क्या है और नुकसान क्या है। तो छात्रों, लाभ के लिए हम बात करेंगे तो इसमें एक तो आप ये बात कह सकते हैं कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में किसी भी समस्या के संदर्भ में उत्तर आने की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। जब आप समस्या से व्यक्तिगत तौर पर जाकर मिलेंगे तो उस समस्या के संदर्भ में उत्तर आने की सबसे ज्यादा आवृत्ति यदि है तो वह है व्यक्तिगत साक्षात्कार, एक लाभ तो यह। दूसरा, इसमें सर्वे करता उत्तरदाता के भाव को समझता है, क्योंकि जब फेस रीडिंग होती है तो भावनात्मक जो बातें हैं, भावनात्मक जो प्रश्न है उनको आसानी से समझा जा सकता है, एक लाभ इसमें यह हो सकता है। इसके अलावा तीसरा लाभ इसमें यह हो सकता है यदि प्रश्नावली में किसी प्रकार की अस्पष्टता है, कई बार प्रश्नावली में प्रिंटिंग मिस्टेक भी आ जाती है या क्वेश्चन बनाते हैं जल्दीबाजी में, हम कुछ और क्वेश्चन बना देते हैं, अंडरस्टैंडिंग कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि प्रश्नावली में अस्पष्टता बनती है तो उस अस्पष्टता को व्यक्तिगत साक्षात्कार में सर्वेकर्ता द्वारा दूर किया जा सकता है। जब वो क्वेश्चन पूछेगा उसका सही बीच से निकल कर आप खुद को करेक्शन करके बता देगा आपको कि इस प्रश्न का मतलब ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से, तो उसको करेक्शन करके स्पष्ट कर देगा और वो समस्या खत्म हो जाएगी। यदि यही सर्वे डाक सेवा से होता है, प्रश्नावली में किसी प्रकार की अस्पष्टता है तो उत्तरदाता प्रश्न को समझ नहीं पाता कि पूछना क्या चाह रहा है और उसका सही जवाब नहीं दे पाता, इसलिए प्रश्नों की स्पष्टता इस साक्षात्कार में आसानी से की जा सकती है। छात्रों, इसके अलावा यदि क्वेश्चन विश्लेषणात्मक है, यदि क्वेश्चन मुक्तेतर है, खुले प्रश्न है, तो उन खुले प्रश्नों का जवाब व्यक्तिगत साक्षात्कार में आसानी से लिया जा सकता है, क्योंकि खुले प्रश्नों में शब्द सीमा बढ़ जाती है और जो उत्तरदाता होता है उसके भाव बढ़ जाते हैं और वो अपने वे में उस बात को अच्छे तरीके से समझाता है किसी भी समस्या के संदर्भ में, जबकि डाक सेवा साक्षात्कार में एक लिमिटेड आंसर आता है, प्रश्नावली में दिया यस नो तो उसमें यस नो लगाना पड़ता है, जबकि खुले प्रश्नों का जवाब इतना डिटेल से नहीं आएगा क्योंकि उसमें उत्तरदाता से कोई रिक्वेस्ट करने वाला नहीं, उत्तरदाता को यदि लगता है मेरे पास टाइम है तो उसका उत्तर लिख देगा, और यदि उसको लगता है कि बहुत बड़ा उत्तर लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से समझाना है, तो शायद वो उसको इग्नोर कर जाएगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो खुले प्रश्नों में ज्यादा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आने की जो प्रवृत्ति है वो आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार में, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में उत्तर आने की ज्यादा आवृत्ति है, अस्पष्टता को स्पष्ट किया जा सकता है, विश्लेषणात्मक खुले प्रश्नों को इसमें समझाया जा सकता है अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो भाव होते हैं उत्तरदाता के उनको आसानी से फेस रीड आप कर सकते हैं और समझ सकते हैं, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यक्तिगत साक्षात्कार में ही कर सकते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार की एक विशेषता और है, व्यक्तिगत साक्षात्कार के उन इलाकों में किया जाएगा जहां जो इलाके हमारे नजदीक पड़ते हैं, जहां पहुंच सकते हैं और पहुंचकर हम सर्वे काम कर ला सकते हैं, वही हम व्यक्तिगत साक्षात्कार कर सकते हैं। जो दायरा दूर दराज का है, ऐसा दायरा है जहां पहुंचने में हमें बहुत सारी घटनाएं का सामना करना पड़ेगा, वहां अधिकांश सर्वेकर्ता व्यक्तिगत साक्षात्कार करने से बचते हैं, पोल्स लेने से बचते हैं। तो इसके अलावा देखिए छात्रों, दूसरी बात इसमें यह भी आती है कि जितने व्यक्तिगत साक्षात्कार में लाभ आपको दिखाई दे रहे हैं उतने नुकसान भी हैं, इसकी हानियां भी, और उन हानियों के कारण व्यक्तिगत साक्षात्कार को नहीं करते हैं। तो हानि क्या क्या हो सकती है? एक हानि तो हो सकती है
कि इसमें समय और धन, समय और पैसा दोनों ज्यादा लगते हैं, ज्यादा खर्चीली पद्धति है। क्योंकि जब सर्वेकर्ता किसी ऑब्जेक्ट के पास दूर दराज के गांव में जाएगा तो उसका समय भी लगेगा, वो रहेगा और रुकेगा, घूमेगा, सब में पैसा चाहिए, तो दोनों चीजें ज्यादा खर्च होती हैं, इसलिए व्यक्ति का साक्षात्कार से बचना चाहिए। दूसरी बात इसमें आती है कि कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिनका जवाब आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को नहीं दे पाते, संकोच के प्रश्न होते हैं जिनमें उत्तरदाता जवाब देने में संकोच करता है, किसी के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में उसे राय लेनी है कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है या इसमें ये कमियां हैं या अच्छा है, तो मुझसे डरेगा उसके बारे में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सर्वे करता इसको यदि बता देगा तो मुझे तो वही रहना रोज के रोज, मैं परेशानी में आ जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में संकोच के प्रश्न होते हैं, कुछ महिलाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न पुरुष यदि सर्वे करता है तो उनको बताने में संकोच करती है, कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में संकोच के प्रश्नों की आवृत्ति बहुत कम होती है, खर्चीली होती है। इसके अलावा इसमें पढ़े लिखे और शिक्षित ऑब्जर्वर की आवश्यकता होती है, इसमें पढ़े लिखे और शिक्षित ऑब्जर्वर यदि होंगे, उत्तर सर्वे करता होंगे, तो ही आप इस प्रकार के सर्वे को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो छात्रों, कुछ इस प्रकार की कमियां इसमें हैं जिनकी वजह से हम इस प्रकार के साक्षात्कार को नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, डाक सेवा साक्षात्कार का प्रयोग करना चाहिए। डाक सेवा साक्षात्कार क्या कहता है, डाक सेवा साक्षात्कार कहता है डाक सेवा के माध्यम से हम प्रश्नावली को उत्तरदाता को भेजें और उस प्रश्नावली का जवाब हमें मिल जाए। अब देखिए छात्रों, यहां आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे आप खुद सर्वे करता है, आप एक ऑब्जर्वर है, तो आपको विशेष प्रकार की बातें क्या ध्यान रखनी है कि जब आप प्रश्नावली बनाएंगे, प्रश्नावली को डाक से भेजें, तो उसमें कवरिंग लेटर लगाएं और साथ में उत्तर आने के लिए अलग से एक लिफाफा आप उसमें आपको डालना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मुझे कोई समस्या पे लोगों की जानकारी लेनी है और मैंने प्रश्नावली उनको भेज दी, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो प्रश्नावली आपको वापस मिल जाएगी। यदि कोई आपका ज्यादा ही मिलने वाला व्यक्ति है, आपको जानता है, तो वो तो भेज सकता है, लेकिन अननोन व्यक्ति के पास कोई सर्वे कभी मिलने वाले व्यक्ति से नहीं होता, क्योंकि नहीं तो फिर सर्वे क्या हो जाता है, बायस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है ना, तो इसलिए अननोन लोगों से सर्वे किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जब आप प्रश्नावली पोस्ट के माध्यम से उस तक उत्तरदाता तक भेजेंगे, तो उसके साथ एक अतिरिक्त टिकट लगाकर लिफाफा भेजें, ताकि उस लिफाफे में और उस पर अपना एड्रेस, आजकल तो ऐसे प्रिंटिंग एड्रेस वाले लिफाफे आते हैं मार्केट के अंदर कि आप अपना एक साथ बहुत सारे लिफाफे अपने नाम से प्रिंट करवा लें और उनको एक एक लिफाफा उसमें आप टिकट लगाकर डाल दें, ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सके। तो डाक सेवा साक्षात्कार जो है वो डाक या पोस्टल के माध्यम से होता है, जिसमें भी कुछ लाभ है कुछ कमी है। लाभ तो क्या है कि जैसे उसमें हमने बताया कि संकोच के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो यहां संकोच के प्रश्नों का जवाब आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखना है, अपने विचार लिख दिए जाएंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में जब व्यक्तिगत साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, तो बाय डाक बाय पोस्ट आप दूर दराज के क्षेत्रों में डाक सेवा साक्षात्कार कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ज्यादा आपको प्रशिक्षित ट्रेन सर्वेकर्ताओं की जरूरत नहीं होती है और समय शीघ्रता से उत्तर आने की आवृत्ति होती है, क्योंकि आप डाक सेवा से भेजेंगे तो आपको जल्दी उत्तर मिलने की संभावना भी इसमें रहती है। छात्रों, इसके साथ इसमें कुछ दोष भी है। दोष क्या है, एक तो हम ये कह सकते हैं कि यदि प्रश्नावली में अस्पष्टता है तो इसको आप स्पष्ट नहीं कर सकते, एक बार प्रश्नावली में किसी प्रकार की अस्पष्टता यदि बन गई है तो उसको आप स्पष्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बड़े प्रश्न है, मुक्तेतर प्रश्न है, उनका जवाब आने की फ्रीक्वेंसी भी इसमें कम रहती है, और यह भी कह सकते हैं कि मूल जो आवृत्ति उत्तर आने की वो भी कम रहती है। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली बाय पोस्ट भेज देते हैं, लोग उसको देखते नहीं है, या फिर यूं कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर लोग हैं, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो प्रश्नावली को ना तो पढ़ना जानते हैं ना उसको समझ पाएंगे, जब वो पढ़ना और उसको समझना ही नहीं जानते तो उस प्रश्नावली में उत्तर आने की कोई संभावना नहीं। अशिक्षित लोगों के संदर्भ में डाक सेवा साक्षात्कार संभव नहीं है, नहीं किया जा सकता, ये इसके कुछ दोष है। छात्रों,
अगली वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा टेलीफोन साक्षात्कार को लेकर। टेलीफोन साक्षात्कार क्या होता है, या इसको हम अलर्ट मैसेज अलर्ट साक्षात्कार भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से हम कर लेते हैं, और इसके क्या दोष है, क्या अच्छाई है, क्या गुण है, वो चर्चा क्यों करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार और डाक सेवा साक्षात्कार के गुण दोषों की चर्चा की। आप अपनी बुक से इसको पढ़ें, आपको किस तरह का कोई वीडियो समझ नहीं आता तो आप चैट बॉक्स में जरूर हमसे चैट करें, उसमें आपकी समस्याएं लिखें ताकि हम उनका समाधान जल्दी से आपको दे सकें। धन्यवाद जी।